सेवा समय विचार के चारु चतुर चित की लहें ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। ये सब श्री कृष्ण के सखाओं के नाम हैं। रक्तक पत्रक मधुकंठ मधुवर्त रसाल विशाल प्रेमकंद ये सब श्री कृष्ण की सेवा में ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवक बनना सेवक स्वामी से ज्यादा सम्मान प्राप्त कर जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम त्यधिक राम करदासा। साहिब ते सेवक बड़ो साहिब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान। राम बांध उतरे जलधि कूद गयो हनुमान। साहब से सेवक में सेवक की महिमा आधी है। भगवान को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा और हनुमान जी कूद करके पार हो गए समुद्र। इसलिए सेवक की महिमा अधिक बताई गई है। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर। शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। भगवान ने सेवकों की महिमा अपने से ज्यादा बताई है। बताई नहीं दिखाई भी है। शबरी भील जाति की नीच जाति की
स्त्री थी, आधामा ते आधामा, आधामा अति नारी, तीन माह में मति मंद गवारी। शबरी ने स्वयं कहा है, एक तो नारी योनि ही अधम है, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः। स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास् ते पियान्ति पराम गतिम्। अर्जुन, मेरा आश्रय लेने के कारण जो पाप योनियां हैं वो भी परागति को प्राप्त हो जाती हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य यपि स्युः पाप योनयः। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास, पापयोनियों में स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, इनकी गणना किया भगवान ने। ये पापयोनियां हैं। क्योंकि कई कारण से हैं पाप योनियां। स्त्री शरीर महीने में 3 दिन ब्रह्म हत्या के कारण दूषित रहता है। इसलिए भी पाप योनि हैं। इसमें अवगुण 8 सदा उड़ रहा ही। आठ अवगुण सदा रहते हैं। साहस, अंधृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, अवगुण 8 सदा उड़ रहा ही। इसलिए भी पाप योनि है। किंतु भगवान के आश्रय में आने के कारण गोपियों की चरण रज ब्रह्मा शिव भी मांगते हैं। जो भगवान के आश्रित हो गया वो परम पवित्र हुआ और भगवान का आश्रय स्त्री शरीर में भी है तो भी वो परम पवित्र हो जाती है और बड़े बड़े ब्रह्म रुद्र आदि उसकी चरण रज मांगते हैं। ऋषियों ने शबरी का अपमान किया, वो उसको पंपा सरोवर से पानी नहीं लेने देते थे। भक्तापराध हो गया, स्त्री पाप योनि है इस भ्रम के कारण से
ऋषियों ने अपमान किया, पाप योनि है भगवान ने कहा है, लेकिन यह भी तो कहा योपिस्यु पाप योने तेपियांति पराम गतिम, परागति को प्राप्त हो जाती हैं वो मेरे आश्रय से। भूल गए थे कि ये शबरी अरण्य भक्त है। सारा पानी पंपा सरोवर का सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। भक्तापराध के कारण ऋषियों ने यही समझा कि ये शबरी, इसने पानी छू दिया इसलिए पानी सड़ गया। चलो राम जब आएंगे तो इसको शुद्ध कर देंगे। सुना था राम आने वाले हैं, शरभंगा सुतीक्ष्ण में अगस्त आदि के आश्रम में गए थे राम, तो समझ गए कि राम आ रहे हैं। और जिन चरणन ते निकसी ससुर सरी, जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई है वो इस सरोवर को शुद्ध कर देंगे। गंगा त्रिपथगा है, स्वर्ग लोक भी बहती है, मृत्यु लोक में बहती है, पाताल लोक में बहती है, तीनों लोक को पवित्र करती है। तो हमारा ये पंपा सरोवर भी पवित्र हो जाएगा। राम गए दंडकारण्य में और किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गए। मिल ऋषि बृंद फिरत दंडक बन, सो चरचो न चलाई। राम ने चर्चा भी नहीं की क्या उन ऋषियों की मुनियों की, क्योंकि भक्तापराधी थे। बारंबार गीत सबरी की निश दिन करत बढ़ाई, रघुबर रावरी है बढ़ाई। चर्चा भी नहीं किया भगवान ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की। ऋषि लोग स्वयं आए, उन्होंने सुना कि भगवान आ गए, राम आ गए, और सबसे पहले उस भीलनी के यहां गए। शबरी माँ का आश्रम कौन है? आश्चर्य हुआ लोगों को, एक नीच स्त्री के यहां गए और पूछते पूछते वो बुलाने भी नहीं आई है, बल्कि राम जब गए तो वो छिप गई। मैं इसलिए नहीं छिपी
भक्त में दैन्य होता है, मैं किस मुंह से इनके सामने जाऊं, मैं एक पतिता नारी हूं, आधा मत आधा मैं अति नारी, तीन माह मैं अति मंद गमारी, मैं एक अधम नारी हूं, अति अधम हूं, और भगवान के सामने कैसे जाऊंगी। कुटी के पीछे छिप गई शबरी, मैं इनके सामने जाने लायक नहीं हूं, यह है दैन्य। जबकि ऋषि मातंग ने कहा था गुरुदेव ने कि तेरे कुटिया में राम आएंगे, भगवान आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे, उसका विश्वास था और उसी रास्ते को झाड़ती थी बुहारी से। गुरु की आज्ञा थी, वही हुआ, राम सबसे पहले उसी के कुटिया में गए, लेकिन दैन्य ने उसको विवश कर दिया। ये दैन्य है भक्त का, मैं इनके सामने कैसे जाऊं। ये दीनता ही भगवान को प्रिय लगती है। निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई, रघुबर रावरी यह बड़ाई। जो गण्यमान अपने को बड़ा समझता है उसका निरादर कर देते हैं भगवान। जो जितना छोटा बनता है उसका आदर करते हैं। शबरी ने सोचा मैं इनके सामने जाने लायक नहीं हूं, एक अधम नारी हूं, पतिता नारी हूं, इनके सामने किस मुंह से खड़ी होंगी। इतना दैन्य जब आ गया तो भगवान उसको ढूंढने लग गए। नारद जी ने लिखा है भक्ति सूत्र में, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान से ज्यादा द्रोही कोई नहीं है। भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्यार है। दैन्य आकाश की ऊंचाई अनंत है, इसको कोई नाप नहीं सकता, वैसे दैन्य भी अनंत है और भगवान अनंत को वश में कर लेता है। अनंत से अनंत को जीता जाता है। भक्त में इतना दैन्य होता है कि वो अनंत दैन्य है, उस अनंत दैन्य से अनंत भगवान को जीत लेता है। ईश्वर से आप्यभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च। जीव का धर्म है अहम। हर आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा बनना चाहता है, सम्मान चाहता है। यदि ये सब छूट जाए तो भगवान के हम प्रिय बन जाएंगे। लेकिन झूठते नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म
अहमिति अभिमाना, जिसमें अभिमान है वही जीव है, वो भगवान से विमुख हो गया अभिमान के कारण। दैन्य आतेवान भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान ने पहली सीढ़ी ज्ञान की कही है, अमानित्वं अदम्भित्वं अहिंसा क्षांतिरार्जवं आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। ज्ञान के 20 बिंदु बताए हैं भगवान में। पहला बिंदु है अमानित्वम। भक्त में कभी मान नहीं होता है, अदम्भित उसमें कभी दिखावा नहीं होता, प्रोपेगंडा नहीं होता, अपने को शो करने का भाव नहीं होता। ज्ञान का पहला बिंदु है मानते ज्ञान पानते लाजा। मान आया और ज्ञान खत्म। देह बुद्धि के बिना मान आ ही नहीं सकता। संग से यति कुमंत्र से राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शूर्पणखा ने रावण को ज्ञान दिया था, रावण आसक्ति से जति साधु नष्ट हो जाता है। साधु हो भक्त हो, आसक्ति से नष्ट हो जाता है। कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाता है। मान का भाव आया और खत्म ज्ञान, ज्ञान भक्ति सब खत्म। हर प्राणी हर समय इस मान के पीछे लगा हुआ है। पान ते लाजा, मदरा पान से लज्जा चली जाती है। तो वो दैन्य होने के कारण भगवान उसको ढूंढ रहे हैं, शबरी मां कहां है, शबरी मां कहां है। दैन्य प्रियत्वाच, भगवान इतने प्रेम में पागल हो गए। नारद जी ने कहा है दैन्य प्रियत्वाच, भूल गए कौन ऋषि कौन महर्षि, शबरी मां कहां है, शबरी मां कहां है, ढूंढ रहे हैं। अब वो कुटी के पीछे छिपती जा रही है कि मैं किस मुंह से इनके सामने जाऊं। इतना दैन्य, वो भाग रही है और भगवान ढूंढ रहे हैं। क्या जादू है दैन्य? शबरी के दैन्य ने भगवान को जीत लिया और भगवान उसको ढूंढ रहा है, शबरी कहां है, शबरी मां कहां है। शबरी भाग रही है दैन्य के कारण, कुटी के पीछे जा छिपी, और कहां छिपेगी। राम पहुंच गए वहां पर, आना पड़ा सामने। जिस भगवान को योगी ज्ञानी ढूंढ नहीं पाते हैं, लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वो भगवान
एक अधम स्त्री को ढूंढ रहा है, नीच जात की स्त्री। बोले क्यों? नारद जी ने कहा ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच। भगवान को दैन्य से इतना प्यार है कि वो भाग रही है, उसको भगवान ढूंढ रहे हैं। राम ने ढूंढ लिया, बैठ गए। उतने में सब ऋषि लोग आ गए। अब चलो प्रभु से कहेंगे कि इसका सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, इसको आप अपने चरण डाल करके शुद्ध करें। सब ऋषि लोग आए, भगवान ने सत्कार किया, सब ने प्रणाम किया। शबरी छिप गई पीछे, अरे ये तो बड़े बड़े ऋषि आए हैं, इन लोगों ये तो इतने बड़े हैं, हमारे गुरु जी को इन्होंने जह बहिष्कृत कर दिया था। उसमें इतना दैन्य है कि वो ये नहीं सोच रही है कि भक्तापराध से हुआ है, वो सोच रही बड़ी बड़े तपस्वी हैं, ऋषि लोग हैं, इन्होंने हमारे गुरु जी को भी जाति से बहिष्कृत कर दिया था। शबरी के कारण उनके गुरु मतंग ऋषि को जाति से बाहर कर दिया था संत समाज ने, लेकिन उनका नाम था मतंग। मतंग कहते हैं मतवाले हाथी को। जो भगवत प्रेम में पागल हो गया है, शबरी को उन्होंने नहीं हटाया, संत समाज को छोड़ दिया। संत समाज ने कहा था एक स्त्री रखते हो तुम आश्रम में, ये मर्यादा विरुद्ध है। सुन करके वो चुप रहे। वो जानते थे शबरी बड़ी भक्त लड़की है, स्त्री है। रात को चोरी से मतंग के आश्रम में लकड़ियां तोड़ कर रख जाती थी, आश्रम साफ कर जाती थी दैन्य के कारण से, कि कोई हमारी सेवा देख न ले, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं तो दिखाते हैं, 10 रुपया चढ़ाना होगा तो सबके सामने चढ़ाते हैं। एक ड्रामा बना हुआ है संसार में, धर्म को हम लोगों ने एक ड्रामा बना लिया है, जिसको दान देना है उसका अनाउंसमेंट होता है, इन्होंने इतना दान किया, और दानदाता भी चाहता है कि हमारा अनाउंसमेंट हो गए, और लेने वाला भी इतना लोलुप है कि भगवान का यश छोड़ करके एक जीव का यश गा रहा है। इन्होंने 5 लाख चढ़ाया। अरे तुम
उस जीव का क्या कल्याण करोगे जिसकी अहंता को पोषण कर रहे हो? दान उसको दान नहीं कहते, वो तो राजस तामस दान हो गया। और इससे समाज का नुकसान होता है, सारे संसार का नुकसान होता है। हम लोगों ने धर्म को एक व्यापार बना लिया है। इस व्यापार से केवल लेने वाले का नुकसान नहीं, देने वाले को नुकसान नहीं, सारे संसार का नुकसान है। उत्तरकांड में लिखा है, दोहा 101 में, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न पर सही धरनी, बये न जा मही धान। तामस दान से वर्षा नहीं होगी, और होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, बीमारियां लग जाएंगी। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। ये तामस दान क्या है? अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य शदीते, असत्कृतम अवज्ञातम तद्दानम तामसम स्मृतम। राजस तामस दान चल रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकाराथम फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। रिटर्न की भावना से पैसा दिया जा रहा है कि हमारा नाम होवे, हमारा सम्मान होवे। देखो, ये हमने इसलिए बताया कि सब तामस धर्म हम लोग फैलाते हैं। लोलुप लोभी, पैसे देने वाले की प्रशंसा करते हैं समाज में, भगवान की तो नहीं करते हैं। ये सारे भारत में चल रहा है, कलयुग हम लोग फैलाते हैं। इससे देश का नुकसान होता है। हम तुमको एक वैष्णव वार्ता सुना रहे हैं, एक भक्तमाल की सच्ची घटना। ये भारतवर्ष में इतने मंदिर क्यों टूटे? हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटे? बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने, क्यों तोड़ दिए? एक मानिकपुर में स्त्री थी, उसने 3 लाख रुपए श्रीनाथ जी के भेंट किए। उस जमाने के 3 लाख आज के करोड़ों अरबों के बराबर हैं। उस पैसे को देख करके गुसाई जी ने कहा, नहीं, ये पैसा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। देने वाली की वृत्ति देख लिया, राजस है, तामस है, देने में अहम है, दैन्य नहीं है, प्रदर्शन है, भूख है सम्मान की। इस वस्तु को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, इस पैसे को ले जाओ, हमारे यहां ठाकुर जी को नहीं चढ़ाओ।
देखो ये ही वैष्णवता। जब मनुष्य त्याग छोड़ देता है, लोलुप बन जाता है, तो राजस बन जाता है। लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अश्मा स्पृहा रजस्येतानी जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। वो आदमी भी राजस बन गया, वो पैसा भी राजस बन गया, वो दान भी राजस बन गया, वो तप भी राजस बन गया, सब राजस बन गया। उस स्त्री ने पैसा ले गई वापस, लेकिन जो मंदिर का अधिकारी था वो लोभी था। उसने सोचा कि ठाकुर जी के लिए बिना मांगे पैसा आया है तो इसको वापस क्यों किया जाए। उसने कहा अभी रुको, तुम लोग पैसा छिपा के रख दो कहीं, कुछ दिन बाद प्रभु की सेवा में आ जाएगा काम में। तब तक गोसाई जी का शरीर पूरा हो गया और वो पैसा उसने लिया और मंदिर की छत में चिनवा दिया। चिनवाना मतलब कि किसी को पता नहीं पड़े पैसा है। ऐसा हमने आंखों से देखा। मथुरा एक बार किसी आदमी के घर में गए तो छत में उन्होंने चिनवा रखा था कई सामान, हथियार हथियार। कोई पुलिस वुलिस आवे तो जान ही नहीं सकती है। तो पैसा छत में चिनवा दिया 3 लाख। उसके कुछ दिन बाद औरंगजेब का हमला हुआ गोकुल में। उन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ा और सब पैसा ले गए वापस। तब लोगों को पता पड़ा कि राजस तामस पैसा से मंदिर को भी नुकसान होता है, ठाकुर जी को भी होता है, लेने वाले को भी होता है, देश को होता है, देने वाले को होता है, लेकिन सारा समाज राजस तामस में डूब गया है। लेने वाला चाहता है कि हम और तारीफ करें तो और देंगे हमको, देने वाला चाहता है कि हमारी तारीफ होनी चाहिए। सात्विक से कोई मतलब नहीं है, राजस तामस से कोई मतलब नहीं है। इससे देश का नुकसान होता है। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। जप करते हैं हम लोग तामस, तप करते हैं तामस, व्रत करते हैं तामस, यज्ञ कर रहे हैं तामस, दान देते हैं तामस। इससे कोई फायदा नहीं होता। देव न बरसई धरनी, वर्षा सूत नहीं होगी और होगी तो धान पैदा नहीं होगा। बे न जामही धान। लोगों को पता ही नहीं है कि राजस क्या है, तामस क्या है। भूख है हमको सम्मान की। हम लोग इतने भूखे हैं। खैर मैं तो जाता नहीं कहीं, लेकिन सुना है कि 3-3 लाख रुपए के फूल बंगले बनते हैं। और बंगले तो पीछे बनते हैं, पहले नाम लिख दिया जाता है जो बंगला बनवाता है 3 लाख। यानी पहले हमने दान को तामस कर दिया। क्या हुआ, नाम पढ़ लिया कुछ लोगों ने। क्या कोई इनाम दे देगा, सम्मान दे देगा।
एक मिथ्या कल्पना है कि हमको सम्मान मिलेगा। 3 लाख रुपए तामस राजस कर दिया हमने, उससे देश को नुकसान हुआ, देने वाले को नुकसान हुआ, लेने वालों को नुकसान हुआ। धिक्कार है तामस दान लेने वालों का, धिक्कार है तामस दान देने वालों का, ये देश का नुकसान करते हैं। सारा समाज इसी में पागल है। इसलिए भगवान उन ऋषियों के तप को, जप को, यज्ञ को, राजस तामस था, स्वीकार नहीं किया, शबरी का स्वीकार किया, क्योंकि उसमें राजस तामस भाव नहीं था। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसऊ निरंतर तासुर, सूद राउर तब गे। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा, हम कहां रहें, हमें कहने रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा, जाहिए ना काही चाहिए कबहू कुछ, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने हैं, केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। हम लोगों को तो जनता का प्यार चाहिए, जनता का सम्मान चाहिए, भीड़ चाहिए, तो भगवान कैसे आएगा? भगवान नहीं आएगा, वहां तो भूत लोग आएंगे, वासनाएं जहां नाचती हैं उस घर में भूत रहते हैं। जाई न चाहिए कबहू कछ, तुम सन सहज सने हैं, बसव निरंतरता असुर, सो राउर तबगे है। उस हृदय में जाके रहो जहां कोई इच्छा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष विषाद भय मन नाही। कबहू मने भूखा है, रोटी की इच्छा नहीं है। जाई न चाहिए कबहू कुछ, कभी इच्छा पैदा नहीं होती है। उस हृदय में भगवान हैं, रहेंगे और रहते हैं। वैकुंठ धाम छोड़ देते हैं उस हृदय में रहने के लिए। हरिरपि निज लोकम सर्वथा व्यक्तो विहाय, निवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति से कहते हैं नारद जी, जिसके हृदय में भक्ति है कुछ नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान वैकुंठ धाम छोड़ करके आ जाएंगे। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, और प्रवशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनिद्ध। जैसे किसी को हथकड़ी बेड़ी पहना करके रख दो, भाग नहीं सकेगा, तो भगवान को भी हथकड़ी बेड़ी पहना करके हृदय में बंद कर लो, भगवान भाग नहीं पाएगा तुम्हारे हृदय से। भगवान भागता क्यों है? हमको भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, संसार चाहिए, तो भगवान क्या करेगा? हमारे हृदय में भूत रह रहे हैं, तो भगवान कैसे आएगा? भगवान तो तभी आएगा जब जाहि न चाहिए कबहू कछु।
अपने हृदय को तौलो और देखो भगवान के आने के लायक है कि नहीं है। तो लोगों ने कहा राम से, ऋषियों ने, कि प्रभु बोले आप लोग कैसे आए। बोले हम बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहिए क्या आज्ञा है। बड़े बड़े ऋषि लोग हमारे वन का पंपा सरोवर अशुद्ध हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, क्यों? शबरी ने उस जल को अपवित्र कर दिया, जाति की नीच है। तो बोले आपके चरणों से गंगा निकली है, आप चल के उसमें अपने चरणों को धो दो, गंगा जल बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पंपा सरोवर दक्षिण में है, हमारे यहां के लोग देख आए हैं, कथा कहने गए हैं मां। भगवान गए ऋषियों की प्रार्थना पर, सब लोग ऋषि समाज आगे गया, चलिए प्रभु ये सरोवर है इसमें चरण रखिए। भगवान ने चरण रखा, धोया, जो छोटे छोटे कीड़े थे वो मोटे मोटे सूंड बन गए। बोले अरे ये क्या, बोले आप लोगों ने शबरी का अपराध किया, भक्त का अपराध किया, भक्तापराधी को हमारे चरणों में पवित्र करने की शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान के भक्तों से ही मैं पवित्र होता हूं। यह भगवान ने कहा है भागवत जी में, तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में, भक्त भगवान को पवित्र करता है। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, जिन भक्तों की सेवा से हमारी चरण रज में पवित्रता आई है, यानी मैं पवित्र हुआ हूं या हमारे चरणों में पवित्रता आई है, क्यों आई है? भक्तों की सेवा से। ये भगवान के वचन है। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। हमारे चरणों की रज में इतनी पवित्रता आई है कि उसका स्पर्श करते ही सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं जीव को, इतनी उसमें अनंत शक्ति है, अनंत पापों को जला देती है। ये शक्ति कैसे आई हमारे चरणों में? हमारे चरणों की रज में, धूल में, हमारे चरणामृत में, कुछ भी कह लो, हमारे में शक्ति कैसे आई? यह सेवया भक्तों की सेवा से आई है। सद्या क्षता खिलमलम प्रतिलब्धशीलम, और पवित्रता तो आई है, इससे भी बड़ी चीज है हमको शील गुण मिल गया है। बोले शील गुण मिल गया? हां, भक्तों की सेवा से ही हमको शील गुण प्राप्त हुआ है।
बोले उससे क्या हुआ? बोले जो तुम देखते हो लक्ष्मी दिन रात मेरे पांव दाबती है, ये शील गुण का प्रभाव है। हम जैसे लोग दलिद्र हैं, दो दो पैसा मांगते हैं, लक्ष्मी कैसे आएगी? शील नहीं है, कुशील है। दैन्य नहीं है। यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्या क्षता खिलमलम प्रतिलब्ध शीलम। उस शील के कारण न शरीर विरक्तम अपि माम विजहाति यस्या। मैं विरक्त हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, लेकिन लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती। जिस लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि तपस्या करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतितम यतपांग मोक्ष कामास्तपा समचरण भगवत प्रपन्ना। ब्रह्मा शिवादि उस महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, भगवान की शरण में रह करके। वो ब्रह्मादयो बहुतिथम यतपांग मोक्ष कामास्तपा स्वमचरण भगवत प्रपन्ना सा श्री स्वबास मरविंद बनम विहाय यतपाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। वो लक्ष्मी, उनके रहने का जगह कहाँ है? कमल बन। लक्ष्मी का नाम है कमला, कमल में रहती है। वो कमल बन को छोड़ करके भगवान के चरणों में रहती हैं, जबकि भगवान नहीं चाहते हैं। न शरीर विरक्तम अपिमाम विजहात यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान गृणंती। तो हमारे चरणों में पवित्रता आई भक्तों की सेवा से, हमको शील गुण मिला भक्तों की सेवा से, तो इसलिए भगवान ने दिखाया कि मेरे चरणों में शक्ति कहाँ है भक्त द्रोही को पवित्र करने की। वो छोटे छोटे कीड़े सूंड बन गए। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपके तो चरणों से गंगा निकली थी, ये सूंड कैसे निकल गए? तो भगवान ने वहां कहा है अधिक जनावत, गोसाई जी लिखते हैं अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर। भगवान ने वहां कहा कि हमारी महिमा कुछ नहीं है ऋषियों, ये तो जो कुछ महिमा है भक्तों की महिमा है, मेरी महिमा कुछ नहीं है। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। मतलब तुम लोगों ने शबरी का अपराध किया, इसलिए ये कीड़े पड़े थे, और हमारे चरणों से पवित्र करना चाहा, अब सूंड बन गए, क्योंकि हमारे चरण हर चीज को बढ़ाते हैं। हमारे चरणों को तुमने शक्ति देते हैं, तो ये कीड़े सूंड बन गए।
अधिक बढ़ावत आपते। भगवान ने उपदेश दिया कि हमारे भक्त की महिमा हमसे अधिक है, और तुम शबरी के चरण रज को अगर लेते तो ये कीड़े बीड़े सब सफा हो जाते। बोले अच्छा, हम लोगों को तो सब ऋषि बोले यही पता था कि नीच जाति की स्त्री इसने आकर के सब पांव पानी गंदा कर दिया। इसके चरण रज में ऐसी शक्ति है? बोले हां, इसके चरण रज में ऐसी शक्ति है जो मेरे चरणों में नहीं है। बोले अच्छा, हां देख लो। सब ऋषि लोग प्यासे मर रहे थे, एक ही सरोवर था। बोले भैया चलो अब शबरी को ही पकड़ के लाओ। जो ऋषि लोग शबरी का मुंह नहीं देखते थे वो दौड़े कुटी पर, और शबरी ने देखा ऋषि लोग आ रहे हैं, उदयन के मारे पीछे छिप गई फिर कि फिर हम अपना मुंह दिखाने लायक तो नहीं है, ये ऋषि पवित्र हैं और मैं अधम से अधम, अधमति नारी, मैं तो बड़ी अधम हूं। लेकिन वो पहुंच करके ऋषियों ने उठा लिया। अरे शबरी माँ, अरे महाराज माँ क्यों कहते हो? अरे माँ तू चल, पालकी लेकर के उसको कंधे पर बैठा ला, क्योंकि पानी के बिना सब मर रहे थे प्यासे। ले आए वहां पर शबरी को, और उसके चरणों को स्पर्श कराया। शबरी पद रज परसते, शुद्ध भयो सरनीर, शुद्ध एकदम दिव्य सुगंध फैल गई सरोवर के जल में। मान गए कि भक्त के चरणों में भगवान से ज्यादा शक्ति है। इसलिए यहां नाभाजी कहते हैं कि इन भक्तों की चरण रज की हम वंदना करते हैं जो सेवा में रहते हैं। ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहें, जो निरंतर श्री कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं उनकी चरण रज हम चाहते हैं। कल भी यही कहा था उन्होंने कि बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। ब्रज में बाल बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नर हैं, नारी हैं, जितने ब्रजवासी हैं, मैं उनकी चरण रज चाहता हूं। हम जैसे लोग यही भूल करते हैं, आते हैं शुरू में ब्रजवासी ब्रजवासी, ब्रोज माई करते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद फिर साधारण मनुष्यों की तरह यही शाला रोटी नहीं देता, यही शाली रोटी नहीं देती है, अभाव करते हैं, ब्रज भाव नष्ट हो जाता है। अरे तुम आए ब्रज में, कृष्ण भाव ब्रजवासी मानो, तुम तो यहां शाला शाली करने लग गए, अपराध करने लग गए। इसलिए नाभाजी कहते हैं बाल वृद्ध नर नारी गोप हौ अर्थी उन पाद रज, घोष निवास ने क्रीक प्रा सुंदर वांछित आदि अज। इन ब्रजवासियों की कृपा सुर देवता नर ब्रह्मा आदि अज मने ब्रह्मा भी मांगते हैं। ये बात परसों सुनाई थी ब्रह्मा जी की, सुना चुके हैं। राधे किशोरी दया